झपलू को बहुत ही जोरों से भूख लगी हुई थी, इसलिए वो ऑगी के किचन के अंदर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर झपलू ऑगी की टेबल के ऊपर पहुंच जाता है और सामने देखता है तो सामने बहुत ही सारा खाना था। खाने को देखकर झपलू भागकर खाने के पास चला जाता है। झपलू खाना खाने ही वाला था कि तभी वहां पर ऑगी आ जाता है और ऑगी झपलू को एक मुक्का मारकर वहीं गिरा देता है और फिर झपलू को उठाकर कहता है, अरे यार झपलू, तुम्हारी औकात नहीं है मेरा खाना खाने की, निकल जाओ मेरे घर से। और फिर इतना कहकर ऑगी झपलू को अपने घर से बाहर दूर फेंक देता है। उस दिन के बाद झपलू को न जाने क्या हो गया, वो बहुत ही उदास रहने लगा। अगर कोई भी कॉकरोच उसके पास जाता और उससे बातें करने की कोशिश करता तो उसे गुस्सा आ जाता और वो उन्हें मारने लगता। एक दिन पपलू और टपलू उसके पास आते हैं, तभी झपलू उन्हें मारने लगता है और वहां से उन्हें मारकर भाग जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पपलू लैब में पहुंच जाता है और वहां बहुत सारे केमिकल देखकर वो उनकी तरफ भागने लगता है और फिर टेबल के ऊपर पहुंच जाता है और एक केमिकल उठाकर वो पी लेता है। लेकिन झपलू को नहीं पता था कि वो केमिकल कितना खतरनाक है और फिर झपलू के सर में बहुत ही जोरों से दर्द होने लगता है और उसका सर ऐसे मानो फट ही रहा था और उसका आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। फिर झपलू कहता है, ओए मामू, अब तो मजे ही आ गए, अब तो ऑगी को नहीं छोड़ूंगा मैं मामू। और फिर इतना कहकर झपलू वहां से ऑगी की तरफ चला जाता है। इधर ऑगी खड़ा हुआ था और काफी खुश हो रहा था क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा था। फिर ऑगी कहता है, अरे यार दोस्तों, आज का मौसम कितना अच्छा है, अच्छा है कोई भी कॉकरोच नहीं आया, वरना तो वो खाम का मुझे परेशान करते रहते हैं। चिंता मत कर, मैं आ गया ना। ऐसा कहते हुए झपलू कॉकरोच वहाँ पर आ जाता है। ऑगी उसे देखता है तो काफी डर जाता है और झपलू कहता है कि ऑगी, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा और अब मैं तुझे मार दूंगा। दोस्तों आगे क्या होगा अगर आपको जानना है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, जिससे कि आपको पता चलेगा क्या ऑगी बच पाएगा।